हे गाइस, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड आप सभी को अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं करेक्शंस के बारे में, क्योंकि आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ यूट्यूबर से या फिर कुछ वीडियोस के थ्रू या फिर कुछ टेलीग्राम चैनल में ज़रूर सुना होगा कि बिटकॉइन या फिर अल्टकॉइन के अंदर करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम में से काफ़ी लोग ये समझ नहीं पाते कि वो करेक्शन आना ज़रूरी क्यों है, एंड काफ़ी लोग पैनिक भी हो जाते हैं उस केस में कि जब बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आ रही होती है या फिर बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप होता है तो काफ़ी पैनिक हो जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं यही चीज बताने वाला हूं कि जो करेक्शंस है वो क्यों जरूरी है एंड क्या रोल प्ले करता है करेक्शंस का बिटकॉइन या फिर कुछ अल्टकॉइंस के प्राइस के अंदर। तो चलते हैं जल्दी से वीडियो की ओर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चार्ट ओपन किया हुआ है बीटीसी यूएसडी कॉइनबेस का, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया हुआ है, प्लेन चार्ट एकदम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस जो है करंटली $11,672 के आसपास चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस है इस टाइम पे। तो समझाना चाहता हूँ, जो बिटकॉइन की रैली स्टार्ट हुई 2017 के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई के अंदर प्राइस जो था वो अराउंड $1,500 to $2,000 के आसपास था, जुलाई 2017 की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। एंड उसके बाद एकदम से रैली हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखनी पड़ी एंड हमें कुछ मेजर करेक्शन भी देखने को मिली, लाइक यहाँ पे प्राइस गया जो कि अराउंड $5,000 था, उसके बाद प्राइस एकदम से ड्रॉप होके कहाँ पे $3,000 आया, यानी कि प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 40-45% तक ड्रॉप हुआ। देन उसके बाद वापस पंप हुआ एंड वापस थोड़ा सा ड्रॉप हमें देखने को मिला एंड वापस पंप हुआ। लेकिन यहाँ पे जो ये पंप हुआ, यहाँ पे हमें कहीं पे भी करेक्शन नहीं देखने को मिली, कंटिन्यूस पंप देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस जो कि $20,000 टच किया था, एंड यहाँ पे जो जुलाई में अराउंड सिर्फ और सिर्फ $1,500 to $2,000 था, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 6 महीने में इस जगह पे पहुँच गया। तो $20,000 के बाद बिटकॉइन के प्राइस के अंदर डंप आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें करेक्शन नहीं मिली थी तो हमें सपोर्ट नहीं मिली। करेक्शंस जो है वो क्या काम करती है, हमें एक अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लाइक मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ पे अब हमें करेक्शन नहीं मिली थी, जैसे कि यहाँ पे करेक्शन मिली तो यहाँ पे हमें सपोर्ट लेवल मिला, यहाँ पे करेक्शन आई तो यहाँ पे हमें सपोर्ट लेवल मिला, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आई तो ये भी अच्छा सपोर्ट मिला, एंड उसके बाद कोई भी करेक्शन हमें नहीं देखने मिली तो कोई भी हमें सपोर्ट लेवल नहीं मिला। अब सपोर्ट लेवल नहीं मिला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूस हमें डंप देखने को मिला, और जो बिटकॉइन का प्राइस इतने टाइम में यहाँ से यहाँ पे गया था वो $20,000 से सीधा वापस अराउंड $6,000 के आसपास आ गया, एंड बीच में हमें कोई भी एक मेजर जो है जंप देखने को नहीं मिला सिवाय एक्सेप्ट इसके। तो आप देख सकते हैं यहाँ से डंप आया, और वो एक इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास करेक्शन नहीं थी, अगर करेक्शन होती तो हमें अच्छा सपोर्ट मिलता एंड वहाँ से प्राइस वापस उठने के चांसेस थोड़े रहते। तो यही दिक्कत है कि जितनी तेजी से प्राइस ऊपर जाता उतनी तेजी से प्राइस गिरता भी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो एरिया है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया ये आप एरिया देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया कि हमें एक अच्छी जो है वो मिला हुआ था, सपोर्ट मिला हुआ था, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वापस प्राइस ऊपर जाके प्राइस नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, काफी अच्छी सपोर्ट हमें इस लेवल के ऊपर मिली जो कि अराउंड $6,000 का लेवल था, एंड यहाँ से डंप नहीं हुआ। आप देख सकते हैं बार बार टच करके प्राइस ऊपर गया एंड फाइनली जब ये ब्रेक हुई सपोर्ट, उसके बाद प्राइस एकदम से डंप करके सीधा 50% गिर गया विद इन 1 month। तो यही चीज है, उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे सपोर्ट मिली हुई थी थोड़ी, तो यहाँ से वापस प्राइस उठा। तो मेजर जो चीज है वो करेक्शन यही वर्क करता है कि हमें अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर बिना सपोर्ट बिना करेक्शन के अगर प्राइस ऊपर उठेगा तो वो जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी तेजी से वापस नीचे भी आ जाएगा। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे उठा जो कि काफी अच्छी बात थी, उसके बाद एकदम से मेजर जंप आया, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छी सपोर्ट भी हमें प्रोवाइड की जो कि 5100 एरिया का अराउंड है, और वीकली सपोर्ट या फिर मंथली सपोर्ट लॉन्ग टर्म के लिए काफी इफेक्टिव रहती है। तो ये वीकली सपोर्ट हमें 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज हुई जो कि $500 का लेवल था, तो काफी अच्छी सपोर्ट हमें यहाँ पे मिली। उसके बाद प्राइस एकदम से जंप आया, उसके बाद हमें कोई भी इस एरिया के बीच में कोई भी अच्छी सपोर्ट नहीं मिली क्योंकि प्राइस के अंदर करेक्शन नहीं आई। तो फाइनली प्राइस यहाँ पे डंप हुआ थोड़ा सा एंड बिटकॉइन का प्राइस $7,400 के एरिया आया एंड वापस ऊपर उठ गया, एंड उसके बाद यहाँ पे वापस इस एरिया पे आके वापस उठ गया। तो ये जो चीज है, मान लो यहाँ पे वापस प्राइस आके उठा तो हमें एक अच्छी सपोर्ट मिली, यहाँ पे अच्छी सपोर्ट मिली, इस एरिया पे वापस अच्छी सपोर्ट मिल गई। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती और बिटकॉइन का प्राइस एकदम से गिरता तो अगर सपोर्ट नहीं होती तो वो एकदम से ज्यादा ड्रॉप हो जाता, जिसकी वजह से इसको कोई सपोर्ट मिली नहीं होती एंड प्राइस कंटिन्यूस डंप वहां पे
होता रहता। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें सपोर्ट मिलना। अगर सपोर्ट नहीं मिलती है तो उस केस में प्राइस एकदम से ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। एंड डंप एंड कुरेक्शन के अंदर थोड़ा डिफरेंशिएट हमेशा रहता है, क्योंकि डंप जो होता है वो एकदम से ये है कि अगर $14,000 बिटकॉइन का प्राइस अभी गया, वहां से एक दिन के अंदर सीधा $4,000 का डंप आता तो हम उसे डंप बोलते। लेकिन प्राइस जो है धीरे धीरे नीचे गया, ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन लगे उसको नीचे आने में। एंड अराउंड 9500 एरिया ये जो है यहां से जो प्राइस उठा यहां तक आया, एंड उसके बाद वापस प्राइस यहां से उठ गया। यानी कि अब यहां पे वापस प्राइस आएगा तो यहां पे हमें एक अच्छी सपोर्ट लेवल मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थी। तो ये चीज है, इसीलिए काफी ज्यादा बोलते हैं कि जो करेक्शन है वो काफी टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेम अगर हम किसी और कॉइन के एग्जांपल में लेके चले, लाइक हम इथेरियम का एग्जांपल लेते हैं यहां पे, तो इथेरियम के एग्जांपल के अंदर अगर हम यहां पे इथेरियम का चार्ट ओपन हो गया है, एंड वीकली चार्ट है यहां पे आप देख सकते हो। अब हम मैं पहले आपको इसको डेली के ऊपर दिखाता हूं। तो ये आप एरिया देख सकते हो यहां पे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सब। तो ये आप देख सकते हैं एरिया, जो कि ये वाला एरिया है, जो कि अराउंड 12 मई को 2019 यानी कि 2 महीने पहले का था। तो यहाँ पे डंप हुआ प्राइस, यहाँ से वापस उठा, यानी कि यहाँ पे हमें एक अच्छी सपोर्ट मिली क्योंकि इस प्राइस से वापस उठा है। एंड अभी आप देख सकते हो 2-3 बार यहाँ पे टच किया, एंड अभी सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जो कि अराउंड 0.025 एरिया के अराउंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ से प्राइस नीचे नहीं गिर रहा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ये एरिया ब्रेक करता है, अगर वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, तो उसके बाद हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 10-15% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से वापस उठेगा प्राइस तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिल जाएगी। अगर हम पास्ट में देखें तो पास्ट में भी सेम यही चीज़ है, यहाँ से प्राइस वापस उठा, आप देख सकते हैं एरिया। देख सकते हैं अराउंड यहां से ये कैंडल जो थी इसकी 2-3 वीक बनी, एंड प्राइस वापस उठा, और ये जो सेम एरिया ही था। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि कुरेक्शन जो है उस केस में पैनिक मत किया कीजिए, कुरेक्शन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कुरेक्शन नहीं आएगी, प्राइस एकदम से बढ़ेगा तो वो उतनी तेजी से ड्रॉप भी हो जाएगा। आपने सुना होगा कि जो चीज इतनी जल्दी से ऊपर जाते हो उतनी तेजी से नीचे भी आती है, तो ये चीज ध्यान रखें कि कुरेक्शन आती है तो पैनिक मत कीजिए, एंड थोड़ा काम रहिए, एंड सोचिए अपने आप से, मतलब दिमाग लगा के आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको वहां पे सेल करना है नहीं करना। जैसे कि आपने देखा होगा कोई अल्टकॉइन एकदम से पंप करता है, वो 50-20% या फिर मान लो 100% तक एक दिन में जंप कर गया, तो वो अगले दिन उतना ही डाउन आ जाता है, मतलब सीधा 50% गिर जाता है, अगले दिन उसी वैल्यू के ऊपर आता है। वो किस वजह से आता है? वो इसी वजह से आता है कि उसको वहां पे सपोर्ट नहीं मिली थी, वो एकदम से जंप हुआ और एकदम से नीचे आ गया। तो यही चीज मैं समझाना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कुरेक्शंस क्यों जरूरी है, एंड उसके अंदर आपको पैनिक नहीं करना है। आगे से अगर आप किसी ग्रुप के अंदर देखें तो आपको समझ में आएगा ये चीज, एंड आई होप आप अपने दोस्तों को भी ये चीज बोलोगे कुरेक्शन आ रही है, टेंशन मत लीजिए। बट कुरेक्शन और डंप में थोड़ा डिफरेंस है, उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। वो चीज आप समझिए, थोड़ा आप एनालाइज कीजिए, उसके थ्रू आपको पता लगेगा इस चीज के बारे में। तो यही थी इस वीडियो के अंदर ये चीज बताना चाहता था आपके। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इसी के साथ सर हमें बताइए कि हमें फेस कैम वीडियो बनानी चाहिए या फिर ऐसे ही वीडियो हम बना सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमारे साथ अर्निंग करते रहिएगा। बाय दोस्तों, सी यू सून, जय हिंद, बाय।